न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर डिस्प्ले रैक। इसकी हाइट जो है 6 फीट हाइट है और शेल्फ का जो डेप्थ है ये 15 इंच और शेल्फ का जो लेंथ है वो 3 फीट बाई 15 और हाइट जो है पिलर की वो है आपकी 6 फीट हाइट। इन्होंने 6 फीट हाइट मांगा था, इनको 6 फीट हाइट का ही दिया हूँ। आपको अगर जिस हाइट पे चाहिए उस हाइट में आपको ये रैक अवेलेबल होगा। 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट तक भी जाता है, जितने आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ये ग्रिड हैंगिंग सिस्टम है, इसमें हमने इनको ग्रिड दिया है और ग्रिड के साथ हमने हुक दिया है। इसमें आप अपना हैंगिंग प्रोडक्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कितना प्यार लग रहा है। मुझे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो वाइट दिख रहा है ये पिलर आप किसी भी कलर में आप मंगवा सकते हैं, रेड हो गया, ब्लू, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका जो पिलर है ये वाइट है, इसकी ब्रैकेट जो है ये भी वाइट है, लेकिन आप ब्रैकेट को ब्लैक ले सकते हैं और पिलर को वाइट, मतलब जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कस्टमाइज है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, है ना। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जो शेल्फ जो दिख रहा है ना आपको, ये शेल्फ कोई भी फिक्स नहीं है, या आप अपने प्रोडक्ट के लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसे एग्जांपल में बताओ, जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट देख लेना ये ऐसे लगा हुआ है, इसके ऊपर देखिए ये वायर ये दिया हुआ है वायर, ठीक है, इस पर आप ब्रैकेट डाल सकते हैं और इसको ब्रैकेट डाल के ऊपर शेल्फ कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे हर 4 इंच 5 इंच के बाद आपको एडजस्टेबल एडजस्ट के लिए ये दिया गया है। इसी तरह से आपको इसमें भी दिखेगा, ये देखिए ये जो हुक है ये भी कोई फिक्स नहीं है, आपको यहाँ निकालें और यहाँ डाल दिए, यहाँ निकालें यहाँ डाल दिए, कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मूवेबल है, आप कभी भी कहीं भी, मान लीजिए एग्जांपल आपका शॉप रेंटल है और आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये सिर्फ ऊपर में देख रहे हैं आप स्क्रू किया हुआ है और ये बेस में स्क्रू किया हुआ है। स्क्रू को लूज किया और ले गए चले गए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारा ब्लॉग छोटा सा था, आपको अगर ब्लॉग पसंद आए और रैक पसंद आया तो नीचे ज़रूर कमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।